चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, जहां लगातार भ्रष्ट और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिर रही है। लगातार दो दिन से चाबुक भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं आगरा जिले की, जहां बीते दो दिन के भीतर 56 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें रिश्वत जैसे मामले भी मौजूद हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने जे रिवेंडर गौड़ में कार्रवाई की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ 3 जून के DCP को सूची बनाकर के निलंबन करने के आदेश दिए गए थे। 12 जून को DCP पूर्वी अतुल कुमार शर्मा ने दरोगा मिनाली चौधरी और मुख्य आरक्षी सुबोध कुमार को निलंबित कर दिया है। जांच में कराई गई 2 पासपोर्ट सत्यापन में अवैध वसूली के आरोप लगने के बाद से ही कार्रवाई की गई। DCP सिटी पश्चिम सोनम कपूर ने 5 दरोगा, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर और उर्दू अनुवादक सहित 25 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। इनके विरोध में कार्य में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप थे। इतना ही नहीं, पासपोर्ट आवेदकों से फीडबैक सेल से 21 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसी के बाद उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लगाने वाला थाना न्यू आगरा के तैनात दरोगा विनोद कुमार, हरी पर्वत में तैनात दरोगा जितेंद्र प्रसाद सिंह, शाहगंज में तैनात प्रशिक्षु दरोगा प्रखर और कमला नगर में तैनात प्रशिक्षु दरोगा प्रशांत कुमार को निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के 9 थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा मुंशी और सिपाहियों की शिकायतें रोजाना आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से मिलने वाली खबर तो ये भी है कि कोई गड़बड़ घोटाला प्रशासन के भीतर चल रहा है, जिसके बाद कमिश्नर ने फीडबैक सेल से इसकी जांच करवाने की बात कही थी और जांच में 30 पुलिस कर्मचारियों का सच सामने आ गया है। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम थाने में तैनात मुंशियों के साथ 5 पुलिस कर्मियों की साइबर अपराध में मिली भगत पाई गई, जो हैरान भी करती है कि पुलिस कर्मियों को, जिन्हें अपराध खत्म करने के लिए वो जिम्मेदारी दी जाती है, मगर वो खुद इस अपराध में शरीक रहते हैं। पीड़ित का उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी मुख्य आरक्षी अविनाश, शेर सिंह सनी कुमार, कर्मवीर और सिपाही धर्मेंद्र को निलंबित किया गया है और इन कर्मियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर के आप सबका क्या कहना है, कमेंट सेशन में जरूर बताएं।